हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखो, मेरे को पता था क्योंकि एक एकदम स्पेशल वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, मेरी स्टोरी से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि वो स्पेशल वीडियो बनाने के लिए एक स्पेशल जगह पे भी जाऊँ। ठीक है, फाइनली आ गया हूँ मैं यहाँ पे यू यांग्स में। ठीक है, अपने मेलबर्न वेस्ट में। इसमें को जो मैंने पूरा ट्रिप किया है ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने का, पिनाकल का, वो सारा मैं एक डिफरेंट वीडियो में डालूंगा। किसी अच्छी लोकेशन पे जाके आपको बताता हूँ भाई की कैसी रही है अपनी स्टोरी लाइफ की। तो मैं कैमरा इधर रख देता हूँ कहीं पे। आपको व्यू भी दिख रहा है कि नहीं? यहाँ यहाँ से देखता हूँ पीछे से रख के। ऐसा कुछ होगी, व्यू अच्छा दिखना चाहिए ना यार, आपको मज़ा आना चाहिए। मतलब ऐसी थोड़ी हम। हाँ भाई, ये होपफुली आवाज़ भी आ रही है और वीडियो की फ्रेम में भी आ रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, बात है उन दिनों की जब मैं ईयर 11th और ईयर 12th करी थी मैंने अपनी। उसके बाद में इंडिया में क्या था यार, उस टाइम पे ना बड़ा कंपटीशन होता था स्कूल में। मैंने ईयर 10th के बाद में ना, मेरे को मैथ्स पसंद था ना बायो पसंद था, मेरे को लेना कुछ और था, लेकिन मेरे स्कूल में था नहीं कुछ और। तो मैंने ले लिया था भैया वहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजी ले लिया था। 11th 12th बायो से किया मैंने जैसे तैसे। मतलब बायो में तो मेरे को कमी मार्क्स आए थे, बाकी 12th में ठीक ठाक आ गए थे। उसके बाद में ना मेरा PMT का मन था, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम जो होती थी उधर, PET वगैरह, AI EEE वगैरह वगैरह इतनी हार्ड होती थी। मुझे पता था यार भाई की इतनी मुश्किल में जाना तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, कुछ नया ढूंढते हैं। तो मैं करियर फेयर में गया था इंदौर में, और वहाँ से उन्होंने बोला स्टडी अब्रॉड। मैंने बोला भाई चलो स्टडी अब्रॉड, थोड़ा डिफरेंट भी कुछ करना था, थोड़ा शौक भी था कि हाँ चलो बाहर जाएंगे करके। स्टडी अब्रॉड का सीन किया, पिताजी के थ्रू अप्लाई वगैरह किया, फिर एक वहाँ पे एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया। ठीक है, मैंने सबसे शुरू में सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अप्लाई किया था किसी एजेंट के थ्रू। IELTS में मार्क्स मेरे थोड़ा कम आए थे आई थिंक इनिशियली, पर ठीक है। उसका वीजा वगैरह आया, वो सब किया, पिताजी ने लोन वगैरह लिया था घर पे सारा, ठीक है, बैंक से पढ़ाने के लिए। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही अपन आए थे भाई यहाँ पे मेलबर्न में। और बस फिर वीज़ा वगैरह हुआ, सिक्योर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। और पहले मैं आया था 2006 में यहाँ पे, ठीक है, अक्टूबर का इनरोल था शायद उस टाइम पे। और यहाँ आया मैं, यहाँ पे रहा। मेरी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल थी भाई शुरू में, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आया था सेकेंड तीसरे दिन से मैंने जॉब ढूंढना चालू कर दी थी। और उस टाइम पर मेरे को जॉब मिली थी फर्स्ट मेरी 7-11 में, ठीक है। उस टाइम मैं स्टूडेंट ही था, स्टडी कर रहा था। और वो 7-11 की जॉब जैसे ही मिली मुझे, शुरू में जो मेरा खर्चा होता था अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, वो सारे मैंने उसमें कवर कर लिए थे उस जॉब के थ्रू, जो पैसा बनता था उससे। और थोड़ा बहुत जो फीस वगैरह मेरी जो इंडिया से लोन के थ्रू मेरी आती रहती थी। तो बस ऐसे ही चला कुछ टाइम तक, और पढ़ाई भी चलती रही साथ साथ। फिर मेरे 2 सेमेस्टर होने के बाद में मुझे लगा यार ये यूनिवर्सिटी में मज़ा नहीं है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था CQ में, वो ऐसी एक बिल्डिंग में थी, मतलब 2-4 फ्लोर में सब कर दिया उन्होंने। मुझे लग रहा था चल इससे अच्छी यूनिवर्सिटी तो इंडिया में कम से कम पढ़ने का थोड़ा लगे। तो फिर मैंने यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी चेंज करके CQ से स्विनबर्न में एडमिशन ले लिया। मेरे 8 क्रेडिट थे, मेरे 2 क्रेडिट चले गए, मतलब मेरे 2 सब्जेक्ट ऐसे मान के चलो मैं उनका कोई क्रेडिट नहीं मिला, फिर भी मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और स्विमलैंड में फिर पढ़ाई करी, और साथ साथ ऐसे पार्ट टाइम जॉब करता था मैं। 7-11 में कुछ टाइम किया, उसके बाद में ग्रोसरी स्टोर्स में किया, कुछ ऐसे ही पार्ट टाइम जो कैजुअल तुम कर सकते हो वो सब करके। फिर फाइनली पढ़ाई अपनी खत्म हो गई, लेकिन उस टाइम पर रिसेशन चल रहा था 2009 में, तो कोई प्रॉपर जॉब मिल नहीं रही थी। तो थोड़ी बहुत ऐसे वैसे कैजुअल जॉब करते थे शुरू में, और कैजुअल जॉब में से ग्रोसरी स्टोर पर कर लिया मैंने। MCG में भी किया है काम थोड़े टाइम पे, ठीक है, एज ए रेस्टोरेंट्स में भी किया है मैंने काम। तो उस टाइम पे ऐसी कैजुअल जॉब्स करता था मैं शुरू में, ठीक है। फिर मेरी स्टडी वगैरह फिनिश हुई उसके बाद में, लेकिन रिसेशन था उस टाइम पे, तो मेरे को कॉल सेंटर में जॉब लगी थी, तो मैंने कॉल सेंटर में काम किया थोड़ा, ठीक है। तो उससे अपना कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया वगैरह वगैरह। और उसके फिर 1-8 साल बाद मेरे को ना एक IT कंपनी में जॉब लग गई थी प्रॉपर। फिर वहाँ फिर मैंने थोड़ा काफी टाइम तक काम किया, वहाँ पे काफी सारी चीज मेरे को सीखने को मिली। वहाँ पे सर्विस डेस्क की तरह गया था मैं, और फिर IT फील्ड में घुस गया, मतलब वहाँ से मेरी एंट्री हो गई थी। और फिर बस उसके बाद मैं ऑपरेशंस वगैरह का रोल किया, उस तरह के काम करे मैंने IT में, और थोड़े टेक्निकल वाले रोल्स के काम करके IT का अपना अच्छा एक एक्सपीरियंस बन गया, ठीक है। और बस हाँ ये करते करते, और PR भी मेरे उस टाइम पे शुरू में जब मैं आया था, मेरा एक्चुअली PR का इतना कोई इरादा भी नहीं था यहाँ पे। मेरा तो बस यही था कि अच्छी स्टडी वगैरह करनी है अपने को, और अच्छा कुछ लेके जाना है। बट यहाँ पे इतना जोर दे रहे थे लोग PR को कि लाइक यू नो अब हर एक को PR लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। उस चक्कर में मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने भी TR शुरू में TR अप्लाई किया था, उसके बाद TR को फिर मैंने PR में अप्लाई कर दिया था वर्क एक्सपीरियंस डाल के। कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल ही जाता, और इस तरह से मेरा PR हो गया था, ठीक है। शुरू में मैंने TR अप्लाई किया था 18 मंथ्स का, उसमें फिर तुम अनलिमिटेड काम कर सकते हो। तो जब मैंने TR अप्लाई किया था अपनी स्टडी के बाद में, उस टाइम पे फिर मैंने जम के काम भी किया था। बाद में जब मेरा डाटा कॉम में ज्वाइन हो गया, उसके बाद में जम के काम किया, जो हाउस का मेरा लोन वगैरह था इंडिया का जो पिताजी ने ले रखा था वो सारा चुका दिया धीरे धीरे करके। तो ये मेरी लाइफ स्ट्रेटेजी मेरे लिए अच्छी काम करी है भाइयों, कि पहले तुम आ रहे हो ना तो एकदम स्टूडेंट टाइम पे फुल ऑन लोन चुकाने के चक्कर में इतना काम वाम करने में मत फंस जाओ कि तुम्हारी मतलब बाद में सब्जेक्ट में फेल वेल हो जाओ। मैंने तो शुरू में अपना खर्चा निकाला, बस इतनी जॉब करी पार्ट टाइम। एट द सेम टाइम जब अपनी पढ़ाई फिनिश हो गई, अच्छी जॉब लगी, तो लोन भी उतार दिया ना। तो ये मेरा सीन रहा था, ठीक है, वो सब किया करके। और बस फिर ऐसी अच्छी लाइफ चल रही थी, PR प्योर हो गया था, और फिर जॉब में भी थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ, कुछ एकाध पोजीशन। हाँ, फिर PR हो गए, और फिर PR होने के बाद में कुछ टाइम बाद में मेरी फिर सिटीजनशिप वगैरह भी हो गई थी यहाँ पे। और उसके बाद में फिर शादी वगैरह
तरह की बात करने लगे थे घर वाले। देखो मेरे तो पिताजी पे मेरे को पूरा ट्रस्ट रहता है, तो मैंने तो उनको बोल दिया था ठीक है, यू नो व्हाटएवर, अगर आपको कोई लड़की पसंद आए तो ठीक है। मतलब और इस तरह से मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, और अंजलि में मिले थे हम फर्स्ट टाइम, इंडिया में मिले थे ठीक है, और वो भी मेरे इंदौर के टाउन से पास में ही देवास टाउन, वहाँ से ठीक है। तो वहाँ हम पहली बार मिले थे 2015 के आसपास, हमारी शादी हुई थी, और उस टाइम पे मेरा यही था, ये आईटी की जॉब वगैरह चल रही थी। और फिर उसके बाद में फिर अंजलि का मैंने शुरू में यहाँ पे विजिटर वीजा डाला, हमने शादी वगैरह कर ली थी, इंडिया में सारा हो गया था, और इंडिया में शादी होने के बाद में हमने मैरिज का सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई कर दिया था, और उसके थ्रू फिर मैंने उसका यहाँ पे विजिटर वीजा डाला अंजलि का पहले। और जैसे हमारी शादी हुई थी मैं आया, उसके बाद में अंजलि भी यहाँ आ गई विजिटर वीजा पे शुरू में, और उस विजिटर वीजा को ही फिर मैंने उसका परमानेंट में अप्लाई कर दिया था, बिकॉज मेरी बीवी है, मेरी सर्टिफिकेट वगैरह सब दिखा दुखू के, और उसको वो हमने पहले से अप्लाई कर दिया था वीज़ा, तो फिर वो आ गया उसका, और उसकी भी पीआर वगैरह हो गई, वो भी शुरू में आई, उसने भी फिर जॉब्स वगैरह करी यहाँ पे सभी तरह की कैजुअल वगैरह, और शुरू में हमने काफ़ी घूमा फिरा सारा मेलबर्न इन्जॉय किया, और फिर बाद में फैमिली प्लानिंग हुई, और अभी आपके सामने देख लो आप, बच्चे हैं, एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं अभी ठीक है, और आज कियान का तो बर्थडे भी, तो बहुत ही स्पेशल डे आज तो। तो इस तरह से लाइफ चलते चलते यहाँ आ गई। यूट्यूब का भी मैंने काफ़ी पहले से सोच रखा था मेरे को बनाना, लेकिन मैंने कभी उसमें अमल नहीं किया, आज से मतलब 5 से 7 साल पहले मैंने सोच रखा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, मेरे फ्रेंड से बात भी करता था मैं, बट एनी वेज अपन ने फाइनली चालू किया और सबको पसंद आया, एंड आई एम वेरी ग्लैड तुमने 10,000 के सब्सक्राइबर तक भी मेरे को पहुँचा दिया यार, मतलब क्या ही बोलूँ यार, थैंक यू वेरी वेरी मच यार। एट द सेम टाइम मेरे को फॉलो वगैरह भी करना, तो मेरा इंस्टाग्राम भी है, वो भी आप चेक कर लेना ठीक है, मिस्टर मगैम्बो _IG, बाकी आपको लिंक वगैरह तो मेरे चैनल में मिली जाएगी उसकी। तो ऐसे स्टोरी चलती रही, और फिर जॉब चेंज करी मैंने, फिर थोड़ा आईटी की मैंने टेक्निकल रोल से, उसके बाद में शादी हो गई, उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह में काम करना चालू किया, तो अलग अलग प्रोजेक्ट में टेस्टिंग में चला गया थोड़ा मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग और इस तरह के, फिर अब डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, उन प्रोजेक्ट्स में मैं काम करता हूँ, एज एन आईटी का वर्क हो गया, टेस्टिंग का हो गया, BA, मतलब सभी फील्ड का थोड़ा थोड़ा अपन है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है मास्टर ऑफ नन वाला सीन है, तो अपन सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। तो इस तरह से करी, और फिर शादी करने के बाद में फिर पहले हम मूव आउट हुए थे, और फिर अलग छोटे यूनिट में रहते थे अंजलि और मैं, और फिर बाद में हमने फिर प्लान किया और सेविंग्स करी, और फिर अगले 4-5 साल तो हमने खूब घूमा और इन्जॉय भी किया, और फिर सेविंग्स वेविंग करके फिर हमने ये घर ले लिया था टानिट में। और हमारे टानिट में घर लेने की भी एक वजह यही थी, क्योंकि देखो मैं पहले एक बार एलूड में भी रहता था सिटी में, जो सेंट किल्डा के पास में, जो कि बहुत हैपनिंग एरिया है, थोड़ा गोरो का एरिया है वैसा वाला ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स एक बार आए थे पहले, तो उन्होंने थोड़ा क्या कम इन्जॉय किया, उनको अपने तरह के थोड़े लोग कम मिलते हैं ना, थोड़ा इंट्रैक्शन कम होता वगैरह वगैरह, तो मैंने उस हिसाब से भी सोचा था यार फ्यूचर में कभी भी पेरेंट्स आए वगैरह तो उनको थोड़ा एट होम फील हो, इंडिया जैसा फील हो, इस चक्कर में मैंने उनका बोला था कि यार टानिट में अपन घर ले लेते तो उसमें क्या होगा ना, अपने पेरेंट्स भी कभी इंडिया से आए तो दे एटलीस्ट फील लिटिल बिट एट होम, कि हाँ यार उनको भी थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, और वही एक्चुअली हुआ। अभी जब भी इंडिया से पेरेंट्स मेरे आते हैं ठीक है, तो दे एक्चुअली इंजॉय ना, घूमते हैं फिरते हैं, अब उनको कंफर्टेबल हो गया है, अभी आते तो एटलीस्ट 3 मंथ्स वीज़ा पे भी आ जाते हैं, उनको उसमें एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है, तो दे स्टे फॉर अ वाइल, दे डोंट हैव एनी इश्यूज एंड दे इन्जॉय एक्चुअली, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। हाँ तो भाई हो, तो ऐसी लाइफ है यार, देखो इंडिया की भी अब जैसे अब तो अपनी सेटल लाइफ है ठीक है, अभी सारा अपना स्ट्रगल हुआ, 15-17 साल में अपन इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और यहाँ पे आ गए अभी, अच्छी लाइफ है, सक्सेसफुल लाइफ है, लेकिन इंडिया की मैं थोड़ी बात करूँ तो इंडिया का फिर भी अपने को लगता है यार थोड़ा फैमिली वगैरह का सीन रहता है, थोड़ा मिस होता है ठीक है, तो वो कई बार चीज़ें लगती है कि यार यहाँ पे ऐसा है कि यू गेट अ क्वालिटी लाइफ नहीं कंपेयर टू इंडिया, यहाँ पे तुमको क्वालिटी वाली लाइफ मिलती है, बाकी जो फैमिली है, जो कल्चर है और जो अपनापन है ना, थोड़ा जो हैपनिंग जो होता है इंडिया में, वो उसकी बात अलग है यार कंपैरिजन में, वो इतना यहाँ नहीं हो पाता, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर मिल जाएगी तुमको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ का मिसिंग रहता है, यहाँ सर्विस मिल जाएगी, और वही इंडिया में थोड़ा फिर क्या फैमिली वगैरह सब रहता है, तो थोड़ा सा सर्विस, थोड़ा इन चीज़ों में तुमको थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करो तुम, तो अपनी अपनी जगह के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, मैंने भी किया है कंसिडर इंडिया, प्रॉबेबली देखते हैं आने वाले टाइम में, तो अभी तो अच्छी लाइफ चल रही है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चे भी हो गए, तो ऐसी फैमिली लाइफ चल रही भाई हो, तो यही फैमिली लाइफ मैं आपको इस चैनल पर भी दिखाता हूँ ठीक है, मेरी भी पर्सनल लाइफ दिखाता हूँ, एक्टिविटी दिखाता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ मेलबर्न के बारे में, ओवरऑल तुमको मतलब मस्त सारा आइडिया लग जाए ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो होपफुली आपको जान के मेरी स्टोरी, मेरी लाइफ की थोड़ी मज़ा आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये वीडियो इस वीडियो में आप एक्चुअली डेफिनेटली कमेंट करो, क्योंकि इसी वीडियो में मैं डालने वाला हूँ, आप जो आप कमेंट डालोगे उसमें से एक रैंडम सब्सक्राइबर पिक करूंगा और उसका मैं वाउचर दूंगा ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना है वगैरह वगैरह ठीक है, और एक कमेंट डालनी है, देखो भाई ज़्यादा लोग कमेंट डालते नहीं है, प्रॉबेबली 10-20-50 डालेंगे ठीक है, तुम लकी हो तो तुमको सीधे मिल जाएगा, अभी मेरा चैनल इतना पॉपुलर नहीं है कि थाउजेंड ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं ठीक है, जस्ट गिव इट अ गो ठीक है। तो भाई ये पहाड़ पर हो गई है बहुत देर बात करते करते, एक व्लॉग उसका बनाया पूरा इसका यूयांग का और एक तुमको स्टोरी का बनाया, बट कोई नहीं, अब यहाँ से निकलते नहीं तो यहाँ तो शाम हो जाएगी। चलो भाई एक और बार व्यू दिखा देता हूँ, देख लो
ये पिक किया था मैंने आपको स्टोरी सुनाने के। होपफुली आपने इंजॉय किया होगा दोस्तों। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलेंगे अपन नेक्स्ट टाइम, एक और बढ़िया कुछ स्टोरी लेके आएंगे या कोई बढ़िया कुछ चीज़ दिखाएंगे आपको, मेलबर्न की या कुछ एक्टिविटी दिखाएंगे, कहीं ट्रैवल करने चलेंगे। ठीक है, बने रहो चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।